हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग मेरे लिए तो बहुत बड़ा ड्रीम है। आज का व्लॉग जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, काफ़ी मेहनत लग गई, काफ़ी समय लग गया इस चीज़ को बनाने में। मतलब एक हिसाब से मैं सेंटी भी होना चाहता हूँ। और मैं अभी हाल ही में 7-8 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मेरा यही काम हो रहा था। और जैसे आप लोग टाइटल के थ्रू समझ चुके होंगे कि हाँ, मैंने न्यू हाउस ओन किया है, जो कि बहुत समय से मुझे आप लोग को दिखाना था। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे पहले दे देता हूँ। तो आप लोग अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो फॉलो कर लो। मतलब एक सफ़र होता है ना आदमी के ज़िंदगी का, एक सफ़र होता है कि वो शुरू कहाँ से करता है और कहाँ तक उसको लेके जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने हाउस ओन किया है, ये मेरे लाइफ का एक ऐसा बड़ा अचीवमेंट है जो मैं करना चाहता था बहुत दिनों से। क्योंकि जैसे आप लोग को मालूम है कि बहुत टाइम से आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग को पता होगा कि मैं एक छोटी सी चाल में रहता था। तो हर आदमी जो चाल में रहता है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसका एक सपना होता है कि उसे एक दिन फ्लैट में जाना है। तो इसी तरीके का मेरा भी कुछ एक सपना था, और वो सपना थोड़ी मेहनत के साथ पूरा हो चुका है। तो काफ़ी दिनों से मैं चाहता था कि आप लोग को घर दिखाऊं, तो टाइम नहीं हो पा रहा था, मैनेज नहीं हो पा रहा था घर का जो पूजा होता है वो करने के लिए। तो फाइनली ये जो भी थी पूजा और ये सारी चीज़ें हो चुकी है, और घर की वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर चुका हूँ आप लोगों को, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। तो आप लोग देख लेना और बताना मुझे कि आप लोग को घर कैसा लगा। काफ़ी मेहनत लगी है इस चीज़ को लेके। तो बस आप लोग का प्यार है, आप लोग का सपोर्ट है, इसी तरह और आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक आध हफ्ते से वीडियो नहीं आया, लेकिन अभी जैसे मैं अभी रेगुलर आप लोग को वीडियोस के अपडेट्स और सारी चीज़ें देता रहूँगा। सबसे पहले आप लोग घर देख लो, मैं मिलता हूँ आप लोग को घर देखने के बाद। तो ये देखो, अब मैं शुरुआत करता हूँ आप लोग को धीरे धीरे दिखाना। ये देखो, ये बाहर का कुछ ऐसा है। तो पूजा हो गया, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग कुछ बना पाऊँ, लेकिन अभी पूजा खत्म होने के बाद मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को जिसका बेसब्री से इंतजार था कि मेरा घर आप लोग को देखना था, तो मैं सोचा कि आप लोग को दिखा देता हूँ। एक बार फिर से बनाऊँगा अच्छे से। सबसे पहले आप लोग ऐसा देख लो, चलो शुरुआत करते हैं। ये डोर है, और पहले नेम प्लेट से शुरुआत करते हैं। ये देखो नेम प्लेट, जिसमें जो मेरा हर जगह जैसा लोगो रहता है वैसा ही ये नेम प्लेट है, जिसके ऊपर लिखा है VJ पवन सिंह, और सेम ये मार्क लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ इस तरीके का मेरा नेम प्लेट है। यूट्यूब पे मतलब सारी ज़िंदगी दे दी, तो यूट्यूब का थोड़ा लोगो, ये सारी चीज़ें। तो देखो बाहर से अगर देखा जाए तो ये बंद नहीं होगा, तो कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो। अब एंट्री करते हैं अंदर की तरफ। ये देखो ये डोर है, ये देखो, देख रहे हो। अब धीरे धीरे अंदर की तरफ से आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा कमरा है। बहुत टाइम लग गया आप लोग को दिखाने के लिए, और इसको बनने में भी बहुत मेहनत और टाइम लग गया। ये देखो जो पूजा किया था उसके लिए ये सारा आपको दिख रहा होगा। अब अंदर की तरफ आ चुका हूँ मैं। अब अंदर की तरफ ये देखो, ये डाइनिंग टेबल था, इसकी जो चेयर्स है मैंने हटा दिए, क्योंकि पूजा के लिए मुझे जगह नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मैंने इसके चेयर्स हटा दिए। ये देखो यहाँ पर आप लोग को दिखता होगा, यहाँ पर झूमर, ये देखो। और यहाँ का सेटअप आप लोग को दिखता होगा, ये देखो यहाँ पे जो पूजा का सारा सामान था, सारी चीज़ें यहाँ पे पूजा की गई थी, गणपति बप्पा हमारे बैठे हुए यहाँ पे। ये देखो ऐसा कुछ इंटीरियर है अंदर से, ये देख रहे हो। और देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो मेरे को मतलब जो भी चीज़ें मिला है, तो उसको मैंने थोड़ा यहाँ पे सजाया हुआ है। और यहाँ पे देखो पूरा बलून्स का वर्क किया गया है, देख रहे हो आप लोग। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मतलब जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, जो मैं लगाना चाहता था अपने घर में, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाया हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे पर्सनली मैं चाहता था कि आप लोग को एक दिन दिखाऊँ, वो है ये देखो, ये प्ले बटन के कलेक्शंस, जो कि मेहनत से आए गए। तो मैंने सोचा आप लोगों को जब घर दिखाऊंगा तो ही आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और अगर दूर से देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो ये थोड़ा मैसी हो चुका है, मैं थोड़ा दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। ये देखो ये थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, अभी सोने की तैयारी चालू थी तो मैंने बोला कि आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। ये देख रहे हो कुछ ऐसा घर है। एक दिन मैं सिनेमेटिक शॉट और वो सारी चीज़ों से आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा, पर पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोग को ऐसा। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हॉल का सेक्शन हो गया। ये देखो ये किचन है, जो कि पूरा मैसी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूजा वूजा थी तो ये सारा किचन का पोर्शन हो गया, देख रहे हो चिमनी उमनी है जो भी थी। अब आते हैं, ये 2 BHK है। ये देखो ये सेंटर का चीज़ है, इसको हम लोग थोड़ा ऐसा हटाते हैं। और यहाँ पे जो है, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये तरफ मेरी सिस्टर का रूम है। मतलब अभी वो
जैसे इतना थक चुके हैं तो सो रहे, तो ये रूम भी अगर आप लोग को दिखना होगा तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं आप लोग को ये रूम भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैंने बोला कि क्यों उनको डिस्टर्ब करना है, क्योंकि हम लोग खुद ही थके हुए तो वो सो रही है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये देखो, अब आते हैं मेरे बेडरूम की तरफ, ठीक है। 1 2 3 बूम। ये देखो, ये तुम्हारे भाई का बेडरूम है जिसको मैं बहुत अपने तरीके से सजाना चाहता था, जो फाइनली आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता होगा। ये देखो बेडरूम, ये देखो पूरा कपाट वपाट। मेरा कैमरा ये बैग में था, इसके लिए बैग ऐसा पड़ा हुआ। यहाँ पे थोड़ा मैसी चीज़ें पड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग को मालूम है आज पूजा था तो थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया था। ये देखो यहाँ पे कुछ सेक्शन है, यहाँ पे मैं लैपटॉप रख के एडिटिंग कर सकता हूँ। ये देखो कुछ यहाँ से ऐसा दिख रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, मतलब यहाँ पे वॉशरूम, वो सारी चीज़ें। और ये मेरा फोटो फ्रेम, इसमें से कौन से फोटो आपको पसंद आए होंगे आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना मुझे, देख लो आप लोग। अब जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मेरे पूरे घर में, वो आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। और ये देखो, ये मैं आपका भाई, और ये मिरर, ये मिरर मैंने इसके लिए लगाया क्योंकि मुझे फ़ोटोशूट और ये सारी चीज़ों का आदत है, तो ये मिरर रहेगा तो फिर बेस्ट रहेगा ना, इसके लिए मिरर आप लोग को देखने को मिलता होगा। और कैसा लग रहा हूँ, मेरा ये आउटफिट था, ये सारी अपडेट मैंने इंस्टाग्राम पे दे दी थी, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो वो जल्दी से कर लो। बाकी कैसा लग रहा है आउटफिट बताना। अब मैं आप लोगों को बॉम्ब चीज़ दिखाऊँ, एकदम बॉम्ब, जो मेरे पूरे कमरे की बॉम्ब चीज़ है, दिखाऊँ। ये देखो, ये बालकनी इतनी बॉम्ब है ना, मतलब ये देखो, ये बालकनी है जहाँ पर मैंने पूरा ग्रीन ग्रास लगाया हुआ है, और यहाँ पर आपको लाइटें मिल जाती है। ये देखो सारी लाइटें लगाई, और ये मास्टर चेयर जो कि मेरा है, और जहाँ पे मैं यहाँ पे बैठ के मतलब चाय पकोड़े ये सारी चीज़ें खा सकता हूँ, देख ना। और ये टेबल है, ये सारा सेटिंग अरेंजमेंट है कि अगर कोई मीटिंग करना है या कुछ करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, और यहाँ से मैं स्टेटस बनाया करता था। ये देखो, तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है वो लोग सिर्फ इतनी ही चीज़ें देख पाते होंगे, तो आज मैं सारी चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे बेडरूम से अटैच बालकनी है, देख ना। ये देखो, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे देख के बता सकते हो मुझे, जैसा भी लग रहा है नीचे कमेंट करके बता देना आप लोग। और रही बात, और एक जो 2 BHK है ना, तो एक और बेडरूम है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम कभी दिखा दूंगा व्लॉग में। बाकी कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। देखो यहाँ से कुछ ऐसा है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मतलब मेरा दिल एकदम दगदग हो चुका है। ये देखो, देख रहे हो भाई, मतलब जो मेहनत थी वो रंग लाई। ये देखो सारी चीज़ें, ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। बाकी जो भी अपडेट होगा इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आई लव यू ऑल। मैं जो कुछ भी हूँ आज आप लोगों की बदौलत हूँ, आई लव यू। मैं मिलता हूँ आप लोग को आगे। तो फाइनली आप लोगों ने घर देख लिया होगा, और अभी इस समय मैं बालकनी में बैठा हुआ हूँ। तो एक सपना होता है हर आदमी का, मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे फैमिली मेम्बर भी यहाँ पे आए हुए थे, जो मेरी सिस्टर थी वो लखनऊ में रहती है, तो वो यहाँ पे आई हुई थी, और मेरी छोटी सिस्टर, मतलब सब यहाँ पे पूरा फैमिली था मेरा। तो इसकी वजह से मैं वीडियोस वो टाइम पे प्रॉपर नहीं बना पाया। मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम मिला जब पूरा फंक्शन हो गया, उसके बाद शूट करने का टाइम मिला। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, और काफ़ी लोग जहाँ पे मैं पहले रहता था वहाँ के लोग आए हुए थे, और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मेरे को मिले। तो वो गिफ्ट्स और वो सारी चीज़ें जो भी होती है वो आपको मैं डेली व्लॉग्स में दिखाऊंगा, जो डेली व्लॉग है विजय पवन सिंह डेली व्लॉग्स, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर दो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा घर, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उसने देख लिया होगा। देखो यार, कैसा होता है कि एक सपना होता है यार, मैं बहुत दिनों से ये चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, क्योंकि हम जब पहले रहते थे, चाल में रहते थे, तो वही एक दिमाग में घूमता था कि ऐसा कुछ करना है लाइफ में कि हम कुछ ऐसी चीज़ें हासिल कर पाए जो जिससे हमको भी खुद को प्राउड फील हो कि हमने अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है। और एक कंफर्ट जोन के लिए आदमी इतनी मेहनत करता है। मैं रात दिन हमारी मतलब बहुत एक कर दिया था कि एक कंफर्ट जोन मिले, और कुछ एक ऐसा घर मिले। जैसे आप लोग को पहले, आप लोग अगर वीडियोज़ और ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि मैं एक छोटा सा बेड होता था साइड में, जो कि 2x2 का था, तो वो छोटे से बेड पर मैं एडिटिंग करता था, और मतलब वहीं से शुरुआत हुई थी अपनी ज़िंदगी की। वहाँ पे एडिटिंग करता था और वहाँ पे ही शूट होते थे। लेकिन आज वो मेहनत जो है, वो मेहनत रंग लाई, और आज इस मुकाम पे है कि एटलीस्ट एक जो स्टेप होता है वो हम लोग चढ़ चुके हैं। हम लोग मतलब आप, हमारी जो फैमिली है, जो आप लोग देख रहे हो, और मैं, तो ये जो भी है, ये कुछ भी हुआ है, ये आप लोगों की बदौलत हुआ है, आप लोग के प्यार की बदौलत हुआ है कि आप लोग
इतना प्यार दिखाते हो, आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हो, आप लोग शेयर करते हो, तो मतलब मैं जो कुछ भी हूँ वो आप लोगों की वजह से हूँ। तो आप लोग अपना प्यार जो ऐसा है वो उसे बनाए रखना और ऐसे ही वीडियोज़ को सपोर्ट देते रहो। और मेरा काम यह है कि मैं आप लोग के लिए कंटेंट अच्छे अच्छे लाता रहता हूँ, मैं ध्यान दूंगा इस चीज़ को और काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि ये आठ या नौ दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं इस काम में बिज़ी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस काम को पहले ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद फिर से एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ काम किया जाए, अच्छा सा वीडियोस आप लोग के लिए लाया जाए। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। ये वीडियोज़ मैंने इसके लिए बनाया ताकि आप लोग भी देखो यार, मैं भी एक आम इंसान था, मैं भी आज जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मेहनत से मैंने हासिल की है। ये एक पॉजिटिव माइंड होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप लोग को डीमोटिवेट करते हैं, आप कुछ भी काम करने जाओगे आपका टांग खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए आपको अपना काम पे ध्यान देना है, काम पे फोकस करना है। अगर आपका मेन फोकस ही अगर वो रहेगा कि नहीं मुझे अचीव करना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है लाइफ में, ना आपको गंदी आदत पकड़नी है, ना आपको ज़्यादा भी ये सारी लाइन में जाना है, सिर्फ आपको फोकस करना है अपने गोल के ऊपर। और जो भी है, देखो मैंने भी यही किया, जो मैं अभी भी फॉलो करूँगा इन फ्यूचर आगे की लाइफ के लिए, तो आप लोग भी ये फॉलो करोगे तो आप लोग भी सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपके साथ जो लोग रहते हैं वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत वो लोग जानते हैं कि आप इस चीज़ को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करते थे। और बस यही चीज़ें कहने की और बताने की बातें तो बहुत सारी है, लेकिन थोड़ा सेंटी हो चुका हूँ मैं अच्छे से वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मुझे टाइम और वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी जितनी मेरे से हो सके मैंने बनाया। लेकिन अब तो क्या, अब तो व्लॉग्स आएंगे, वीडियोज़ आएंगे, जो भी होगा सब घर में शूट होगा। इतने दिन से मैं शूट नहीं कर पा रहा था घर में, लेकिन अब तो आप लोगों ने घर देख लिया है तो सारे वीडियोज़ घर पर होंगे, तो कोई भी अगर कुछ चीज़ आप लोगों को देखनी होगी तो सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएगी। और सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पर पहले मैं कर देता हूँ, तो जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहा है वो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, मिलते हैं वहाँ पर, बातें करते हैं, डीएम करो और लव यू ऑल, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो और बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।